मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि बहुत सी वो कहते हैं कि जेंस जो होती है नॉर्मल स्टिच या तो बाहर कराते हैं, आप इजीली इस मशीन में करा सकते हैं, जीन्स वगैरह स्टिच कर सकते हैं। उसके आपको इसमें 11 नंबर की आपको सुई लगानी होती है। सुई लगाने के बाद आपको इसको ए या बी, आप इसको ए या बी पे कर सकते हैं। और आपको लेंथ कितनी रखनी है, जैसे 1 2 3 जो भी आपको, जैसे लेंथ छोटी 0 to 1 होगी, फिर बड़ा होगा फिर, तो उसी तरह ये लेंथ है। आपको लेंथ साइज़ क्या रखना है उस पे करिए। टेंशन हमारा 4 पे ही रहेगा, इसको हम टेंशन बोलते हैं। ये हमारा हमेशा 4 पे ही रहता है, ठीक है। अब आपको स्टिच करना बताने जा रही हूँ। ये मैंने जींस है, जींस का कपड़ा है, ये देखिए, राइट। अब इसमें हम स्टिच करनी है। आप चाहे आप इसे पिनअप भी कर सकते हैं, अगर आप पिनअप नहीं करना चाहते हैं तो देन भी ओके, आपकी वो आपकी मर्जी है, आप किस तरह करना चाहते हैं। जैसे अगर थोड़ा सा मोटा स्टिच आ जाता है जहाँ पे भी, आप उसको थोड़ा सा अपने हैंड का जो होता है, आप वहाँ से इसको हल्के हल्के से रिमूव करेंगे, मूव करेंगे और मूव धीरे धीरे चलाएंगे, ये नहीं कि बहुत फास्ट चलानी है। हाँ, अब आपका इजली हो गया है। यहाँ पे हमारा कटर होता है, आप यहाँ से ऐसे करके कट कर सकते हैं। आपको कोई भी, ये देखिए गाइस, प्लीज अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब करें, और कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे इस पे, मतलब आप राइट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसके बारे में। अगर आपको कोई सजेशन भी देना हो तो प्लीज़ आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।